फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। एक लड़की जिसने थोड़ी देर पहले खुशी खुशी अपने कॉलेज में मिठाई बांटी, सबके साथ एंजॉय किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ऐसा क्या हुआ जो हॉस्टल के कमरे में वही लड़की मृत हालत में पाई गई। महज 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो हालात इतने बिगड़ गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की निम्रता की मौत के बाद उसके लिए इंसाफ की मांग अब जोर पकड़ रही है। वहीं सोशल मीडिया साइट पर जस्टिस फॉर निम्रता ट्रेंड करने लगा है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का। हालांकि जिस हालात में लड़की की मौत हुई उसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम पाकिस्तानी उसे हत्या बता रहे हैं और निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के जरिए लड़की के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ट्विटर पर इस पूरे मामले को जबरन धर्मांतरण और अल्पसंख्यक उत्पीड़न की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ भारतीय यूजर्स तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन थी निम्रता और उनकी मौत से क्यों कटघरे में खड़ा है पाकिस्तान। सिंध के घोटकी जिले की रहने वाली निम्रता चांदनी लुरकाना के बीबी ऑफिसर डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी थी। उनकी मौत के बाद घोटकी में हिंदू समुदाय ने मंगलवार को अपनी दुकानें बंद करके विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि घोटकी जिले में ही कुछ दिन पहले भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में एक स्कूल के हिंदू प्रिंसिपल की पिटाई की थी। भीड़ ने 3 मंदिरों, स्कूल और हिंदुओं के कई घरों में तोड़फोड़ तक कर डाली थी। डॉक्टर निम्रता के भाई डॉक्टर विशाल ने साफ शब्दों में बताया है कि उनकी बहन की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि घटना के 2 घंटे पहले निम्रता ने कॉलेज में मिठाई बांटी थी, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि महज 2 घंटे में वो खुदकुशी कर ले। यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अनीला अताउर रहमान ने बताया है कि निम्रता अपने कमरे में मृत पाई गई है। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने बताया कि पुलिस छात्र के फोन और अन्य चीजें फॉरेंसिक जांच में भेज चुकी है। मौत की सच्चाई और उसके पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस मामले में पूर्व क्रिकेटर शोएब ने अपने ट्वीट में बताया कि युवा मासूम लड़की निम्रता की संदिग्ध मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख और आहत हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। मेरा दिल हर पाकिस्तानी के साथ धड़कता है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। उनकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस ने आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन वो हर पहलू की जांच अभी भी कर रही है। वहीं लड़की के परिवार ने आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया और परिवार का आरोप है कि ये हत्या का मामला है। और लड़की के भाई डॉक्टर विशाल भी बता रहे हैं कि ये गहरी साजिश के तले हुआ है और जरूर खुदकुशी का मामला ना होकर निम्रता की हत्या की गई है। फिलहाल इजाजत दीजिए, ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।